हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को 4 नवंबर तक बढ़ा दिया है। हड़ताली कर्मचारी 4 नवंबर को जींद में रैली करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। रैली को राज्य के अनेक किसान, मजदूर और कर्मचारी संगठनों का समर्थन मिल गया है। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल आज 17वें दिन में दाखिल हो चुकी है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों के नेता सुरजीत अरोड़ा ने कहा कि सरकार का निजीकरण का सपना कभी पूरा नहीं होगा। आइए सुनते हैं जींद रैली के संबंध में कुछ मुख्य नेताओं की बाइट्स। हमारी जो किसान सभा है वो इनकी 4 तारीख की जो रैली है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेगा और खट्टे सरकार को यह बताना चाहते हैं समय रहते इन कर्मचारियों से बात करके ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी जनता वहाँ जींद 4 तारीख की जींद की रैली के अंदर इसको मजबूर कर देंगे। किसान सभा का एक एक साथी जितना भी है वो सरकार के मुंह तोड़ जवाब देगा और कर्मचारियों के साथ खड़ा है। तो दूर ही आज हरियाणा के अंदर कई जिलों के अंदर रोडवेज के कर्मचारियों पर लाठीचार्ज की, मैं इनकी घोर निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि उनकी मांगों को तुरंत प्रभाव से मांगी जाए और मांगे मान करके जो हरियाणा आज बेहाल है, इस 1 नवंबर का दिन है, आज हरियाणा दिवस का दिन है, इस दिन ये घोषणा करें और इस हरियाणा को हड़ताल मुक्त कराएं, धरने मुक्त कराएं, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे ये हरियाणा का उज्जवल भविष्य हो, ये हरियाणा तरक्की के मार्ग पर चले। ऐसे है जी, आगे हमारी जो स्ट्राइक है 4 तारीख तक है, इसके बाद हमारी तालमेल कमेटी ने जींद के अंदर एक महारैली का आयोजन किया गया है जिसके अंदर सभी जनसंगठन, सभी पंचायतें, सभी रोडवेज के कर्मचारी वहाँ पहुँचेंगे और हरियाणा सरकार शासन और प्रशासन कानून को ताक में रखकर भाई भतीजावाद को बढ़ावा देकर अनुभवहीन ड्राइवरों को हरियाणा रोडवेज की गाड़ियां सौंपी जा रही हैं जिसके अंदर हरियाणा की जनता की जिंदगी साथ बिल्कुल खिलवाड़ किया जाएगा। एक तरफ तो प्रशासन कहता है कि 25-10-2018 तक आप फार्म जमा करवाओ और दूसरी तरफ हरियाणा रोडवेज सरसा डिपो के महाप्रबंधक महोदय द्वारा अपने भाई भतीजावाद को बढ़ावा देकर 20-21 तारीख को अनुभवहीन चालकों को गाड़ियां सौंपी गई हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। हरियाणा की जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि आप देख रहे हो जगह जगह इन बसों का नुकसान हुआ है और रोडवेज का नुकसान होता जा रहा है। कल बिल्कुल लाठीचार्ज हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं। हमारे संगठन, जन संगठन शांति बिरिया ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, इस हरियाणा सरकार के शह पर वहाँ उनके ऊपर लाठियाँ चलाई गई और कबारी काफ़ी साथियों को वहाँ चोटें आई हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। सभी खाप पंचायतें, जनसंगठन, पंचायतें, सभी यूनियनें हमारे को समर्थन दे चुकी हैं और 4 तारीख की रैली ये सिद्ध कर देगी और हमारे को कितना जनता जनार्दन का समर्थन है। इससे स्पष्ट दिखता है ये अपने निजी क्षेत्रों को रोडवेज सौंपना चाहते हैं पूंजीपतियों को और हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के जनसंगठनों ने और रोडवेज के कर्मचारियों ने ये बिल्कुल मन बना लिया पक्का, चाहे किसी तरह की कोई भी कुर्बानी दी जाए, देनी पड़े, ये हरियाणा रोडवेज जनता, हरियाणा की जनता और हरियाणा के कर्मचारी ये रोडवेज को पूंजीपतियों को बिल्कुल नहीं सौंपने देंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।